एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता वर्मा। आज मैं आपको लोहड़ी स्पेशल ड्रेस और हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ और धोती स्टाइल भी। तो आजकल बहुत ही लेटेस्ट में चल रही वाली धोती आपको 390 रुपीस में मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन और कलर और भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। धोती के बाद आप अगर परचेस करना चाहते हैं दुपट्टा भी, तो दुपट्टा आप लोग को फ्लिपकार्ट या फैब फैशन पे, नहीं तो आपको मॉल में भी श्री क्रिएशन में। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। हेयर स्टाइल वगैरह जो भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैंने परांदा लुक बनाया है, हेयर स्टाइल सब कुछ, स्टाइल कैसे कर सकते हैं, मांग टीका और ये परांदा लुक मैंने कैसे किया है, वो सब आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए देख लेते हैं कैसे किया है मेकअप, हेयर स्टाइल और हमारा पंजाबी लुक, लोहड़ी स्पेशल लुक क्रिएट करना है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली परांदा होता क्या है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे परांदे को लेके। तो इस तरह से थ्रेड वर्क में एक चोटी आती है और इसके नीचे आपको इस तरह की लटकन मिलती है, तो ये इनको हम परांदा बोलते हैं। पंजाबियों में बेसिकली ये काफी ट्रेंड है और काफी लोग पहनते हैं इसको। और हमारे यहाँ भी मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ उस कास्ट में भी हमारे यहाँ ये ना परांदे चलते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। और ट्रेडिशनल चीजें जब हम फॉलो करते हैं तो ट्रेडिशनल अगर हमारे पास चीजें हैं तो उससे जो लुक आती है ना वो और अच्छी आती है। तो जैसे कि आप इसमें परांदे में भी आप काफी सारी वैरायटी में आता है, डिजाइन अलग अलग आते हैं। जैसे अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं गोल्डन वाले परांदे हैं, अगर आप कलर में लेना चाहते हैं तो कलर में भी परांदे अवेलेबल है। तो ये देखिए आपको इस तरह की अलग अलग कलर में लटकन मिल जाती है, ये पिंक कलर की लटकन में है और थर्ड वन में अगर दिखाऊं तो ये ब्लू कलर में है। तो डिजाइन कलर चॉइस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, प्राइस क्या रहने वाला है इनका, प्राइस स्टार्टिंग 30 से लेके 200 तक इनकी प्राइस अमाउंट रहती है। जितना ज्यादा हैवी वर्क होता है परांदे के प्राइस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस परांदे को अब हम बात करेंगे इस परांदे को लगाते कैसे हैं। अगर आपके बच्चे के स्कूल में फंक्शन है, अभी बैसाखी भी आने वाली है, बैसाखी में अगर बेटी ने पार्टिसिपेट किया है पंजाबी थीम में या पंजाबी गिद्दा कर रही है, तब हमें ऐसे टाइम पे परांदे बांधने का काम आ जाता है। तो समझ में आता है कि कैसे हमें इसे बांधे, काफी लोग नहीं जान पाते हैं, तो आज मैं इसी पे वीडियो बना रही हूँ इन परांदों को लगाते कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको लगाने का तरीका कैसा। तो सबसे पहले इस हेयर स्टाइल के लिए हम ये जो है मांग टीका लगाएंगे हम यहाँ पे, तो टू पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। इस तरह से, और फिर यहाँ से भी एक पार्टीशन लेंगे हम। दोनों साइड से पार्टीशन करने के बाद हमें पीछे के सारे बालों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पफ बनाना है। अगर हम पफ बना के ये हेयर स्टाइल करते हैं तो लुक काफ़ी अच्छे से बन जाती है। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं, जैसे कि बस एक मांग निकाल के दो पार्टीशन करके ट्विस्ट एंड टर्न वाले हेयर स्टाइल भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर पफ बना रही हूँ, उसके बाद फ्रंट लुक क्रिएट करूँगी। तो इस तरह से हमने टर्न एंड ट्विस्ट की तरह से सारे हेयर अपना सेट कर लिए, क्योंकि हमें करनी है मांग पट्टी लगानी है। तो अब हम इसे यूज करेंगे।
परांदा लगाने से पहले हमें सारे बालों को एक चोटी में गूंद लेना है, एक राउंड लेना है, जिससे कि हमारा परांदा निकले नहीं, लूज ना हो। तो ये देखिए, जैसे हम नॉर्मल घर पे चोटी करते हैं ना, सेम वैसे ही हमें करनी है। और चोटी करते हुए एक राउंड ले लेना, जैसे एक पूरा कंप्लीट बीट बना लेते हैं, टाइटली बनाएंगे। और जो ये हमारा परांदा है, इसको हमें ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, हमें नीचे की तरफ। ये देखिए, ये जो जॉइंट पॉइंट है, मैं इसे बिल्कुल नीचे की तरफ रख के इसको तीनों, जो हम चोटी करते हुए तीन पार्टीशन करते हैं ना, उन एक एक पार्टीशन में ये परांदे की जो लड़ है वो हम ऐड करते जाएंगे। और सिंपली जैसे हम चोटी बनाते हैं उसी तरह से इसको हम गूंथते हुए, सेम इसी प्रोसेस में, ये देख सकते हैं आप, क्लोजअप भी दिखा रही हूँ मैं आपको, सेम ऐसे हमें नीचे तक हमें इसको पूरा गूंद लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप यहाँ पर नकली बालों वाली जो चोटी आती है उससे भी आप इसको ऐड करके मोटा हैवी लुक देकर, तब हम इसे परांदे को ऊपर से, ये देखिए इस तरह से मोटा ही आपका नीचे तक जाएगा, एक जैसा लगेगा। और ये देखिए, सारी ही मैंने चोटी को परांदे के साथ बना लिया है, और एक गांठ लगा देंगे हम इसके, और देखिए रेडी हो गया है हमारा परांदा भी। जब हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है तब बारी आती है मांग टीका लगाने की। तो ध्यान से इसको हमें लगाना होता है, बीच वाले पोर्शन को इस तरह से हेयर के साइड को कर्ल कर लीजिए। और ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ दूसरा सिंपल वाला लगाया, अगर आप यहाँ पे कलर ऐड करना चाहते हैं तो कलर वाले मांग टीका भी लगा सकते हैं। आगे वीडियो में दिखाया है किस तरह के मैं टीके की बात कर रही हूँ। और देखिए, फाइनल लुक हमारी मॉडल की रेडी हो गई है। अगर आप पंजाबी थीम फॉलो कर ही रहे हैं तो इस तरह के दुपट्टे ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो लुक होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको धोती लुक दिखाती हूँ, आजकल जो धोती लुक चल रहे हैं पंजाबी थीम में, तो आजकल लेटेस्ट में ये वाली जो धोती है बहुत अच्छा ट्रेंड लुक कर रही है। अगर आप चाहते हैं ये धोती मंगवाना तो आप ये मीशो से मंगा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये रेड कुर्ते के साथ, पिंक कुर्ते के साथ काफ़ी अच्छा लुक जाने वाला है। तो ये देखिए, ऑल ओवर लुक हमारा क्रिएट हो गया है, पूरा पंजाबी से बहुत सुंदर लगता है पंजाबी थीम, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। अब गिद्दा करके दिखा दे थोड़ा सा, और ढोल जगीरो जगीर। तो लोहड़ी के लिए हम ऐसे मेकअप और हेयर स्टाइल और ड्रेसअप कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चूड़े ज़रूर पहनिएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं। दुपट्टा और धोती अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीछे अंदर मेरी चाल वेंदा आई पीछे पीछे। और दोस्तों, ये जो धोती है आप किसी भी कलर कंट्रास्ट की सिल्क के कुर्ते के साथ टीम अप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे मॉडल बिल्कुल पंजाबी थीम में फिट है। सो दोस्तों, अगर आप पंजाबी झुमकियाँ देखना चाहते हैं तो पंजाबी झुमकियों का भी मैंने चैनल पर अपनी वीडियो डाली हुई है, आप चाहे वहाँ देख सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े झुमके जिन्हें चंद बाली कहते हैं, चांद बाली, वो भी पंजाबी गेटअप पे बहुत अच्छी लगती है। कलरफुल आप जो भी जैसा डिज़ाइन चाहे वो ले सकते हैं। और पंजाबी थीम में इस तरह के गोल्डन, प्लेन गोल्डन और पर्ल वर्क के मांग टीका अच्छा लगता है। ये पूरा चोखर सेट मेरे पास से नहीं, तो आजकल जो ट्रेंडिंग इस तरह के जाले हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के गोल्डन और ब्लू कलर में भी मांग टीका और झुमके बड़े बड़े, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। साथ ही इस तरह की झुमकियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। साथ ही आप अगर पतले वाले झाले भी पहनना चाहते हैं तो सेम ये झाले भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो ये तो ऑल ओवर मेरी ज्वेलरी कलेक्शन फॉर पंजाबी थीम, आपको जो भी पसंद आता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।